अमरझरी थाना क्षेत्र के पांडरा बोड़ी इलाके में कल देर रात प्रेम प्रकरण को लेकर आरोपियों ने एक व्यक्ति पर चाकू से कई बार वार कर उसकी हत्या का प्रयास किया। उधर युवती की शिकायत पर पुलिस ने घायल युवक के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की रात 10:30 बजे अंबाझरी बाईपास जयनगर ट्रस्ट लेआउट निवासी सतीश ताराचंद चन्नी पर यह घातक हमला किया गया। आरोपियों में पांडरा बोड़ी निवासी सपना डोकरी मारे, महादेव डोकरी मारे, कल्पना डोकरी मारे, पलाश चौधरी, चंदू अटवार और मयूर डोकरी मारे का समावेश है। सूत्रों ने बताया कि सतीश चन्नी को प्रेम संबंध को लेकर आरोपियों ने कल रात घेर लिया। आरोपियों ने चाकू से सतीश के शरीर पर कई वार कर उसकी हत्या का प्रयास किया। किसी तरह सतीश आरोपियों की चंगुल से निकलकर भागा। उसका इलाज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। अंबाझरी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 143, 147, 148, 149, 307 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी महादेव डोकरी मारे और पलाश चौधरी को हिरासत में लिया है, जबकि चंदू और मयूर की तलाश की जा रही है। इस घटना के बाद रात भर पांडरा बोड़ी में पुलिस डटी रही। उधर एक युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि वह जब परिवारजनों के साथ घर में मौजूद थी, तब रात 10:30 बजे आरोपी सतीश चन्ने घर के सामने पहुंचा और आवाज लगाई। वह जब घर से बाहर निकली तो आरोपी ने मिलने क्यों नहीं आई कहते हुए उसका हाथ पकड़ा और साथ चलने कहा। मना करने पर सतीश ने चाकू निकालकर कहा कि वह उससे बहुत प्यार करता है, फिर भी वह उससे दूर जाती है। इसी बीच युवती का भाई वहां पहुंचा और उसने आरोपी को समझाने की कोशिश की। आरोपी ने युवती को जान से मारने की धमकी दी। युवती के भाई ने पुनः समझाने की कोशिश की तो आरोपी चाकू लेकर उसके पीछे दौड़ा। युवती के भाई ने स्वयं को बचाने की कोशिश की और हाथापाई के दौरान सतीश को उसका ही चाकू लग गया। घायल सतीश वहां से भाग गया। युवती के भाई को भी मामूली चोट आई। पुलिस ने सतीश के खिलाफ धारा 354, 504, 506, 2, 323 के तहत मामला दर्ज किया है। काल पोस्टे अंबाझरी थे, अपराध क्रमांक 40/22, कलम 397 गुन्हा दाखल झालेला आहे। घटना कालची आहे, दिनांक 8/2/2022 ची रात्री 10:30 ची गोष्ट आहे। आणि यामध्ये फिर्यादी जो आहे सतीश ताराचंद चन्ने, राहणार पांढरा बोडी, हा सराईत गुन्हेगार आहे। यावरती या पोलीस स्टेशनला या अगोदरही गुन्हे दाखल होते। तर याचं जे आरोपी आहे सपना डोकरी मारे आणि तिचे कुटुंबीय आणि मित्र असे म्हणून जवळपास 6 आरोपी आहेत। तर जो फिर्यादी आहे हा तिच्या घराजवळून जात असताना आणि जो फिर्यादी आहे सतीश चन्ने यांचा थोडासा वाद झाला। त्या वादातूनच जे सपना डोकरी मारे यांचे कुटुंबीय जे आहेत त्यांनी चाकून त्याच्या फिर्यादीच्या याच्यावरती हल्ला केला। त्यामध्ये फिर्यादी जखमी झाला आणि फिर्यादीच्या बयानावरून आपण त्याच्यामध्ये 307 गुन्हा दाखल केलेला आहे। दोघांमध्ये पूर्वी प्रेम प्रकरण होतं, त्यावरूनच प्रेम प्रकरणातून वाद झाला होता। असा काही प्रकार नाही, प्रेम प्रकरणावरच वाद झालेला होता तो। त्याबद्दल पुढील तपास सुरू आहे आणि आरोपी आपण ताब्यात घेतलेले आहेत, अटकेची कारवाई सुरू आहे। आरोपीचे नाव आहे सपना डोकरी मारे, तिचे वडील महादेव डोकरी मारे, कल्पना डोकरी मारे, मयूर डोकरी मारे, चंदू हट्टेवार आणि पलाश चौधरी असे 6 आरोपी आहेत। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज नागपूर।